जो आपने लगाया है, यह प्रक्रम कितने दिनों से चल रहा है? ये करीब 2 हफ्ते से चल रहा है। 2 हफ्ते से चल रहा है, और आगे की क्या योजना है? आगे की योजना यही है कि हमको लगातार यहाँ कैंप देना है, क्योंकि यहाँ पे पेशेंट काफ़ी ज़्यादा है, लोगों की असमर्थ है, लोगों आने जाने में दिक्कत हो रही है, पैसे की कमी है, इसलिए यहाँ निःशुल्क सेवा, मतलब यहाँ पे फीस नहीं ली जाती है, और निःशुल्क रूप से हर रविवार के दिन एक कैंप लगाने की जो योजना डॉक्टर ए के वर्मा जी ने बनाई है, तो इससे लोगों को क्या लाभ हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, आइए हम जानते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं कि वो किस प्रकार से। आइए चलते हैं, आप यहाँ पर दिखाने आई थी डॉक्टर साहब से? तो कब आई थी, क्या आपको जो बीमारी थी उसके लिए डॉक्टर साहब उचित परामर्श दिए हैं? तो यहाँ हम देख सकते हैं, आइए जानते हैं, यहाँ पे जो है डॉक्टर साहब जब आए, लगभग कितने मरीजों को देखा उन्होंने यहाँ? लमसम 50 मरीज से ज्यादा देख चुके हैं। लगभग 50 मरीजों को देखा, उनसे कोई फीस भी लेते हैं डॉक्टर साहब? विदाउट फीस, या विदाउट फीस। हम देख सकते हैं कि जहाँ पर चिकित्सा का व्यवसायीकरण हो रहा है, उस स्थिति में भी किसी एक डॉक्टर ने अगर कमर कस ली है कि वो स्वस्थ निरोग समाज के निर्माण में सहायक भूमिका निभाएगा, तो उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर ए के वर्मा। तो आइए कुछ और लोगों से जानते हैं जो कि यहाँ से समाधान पाकर काफी स्वास्थ्य लाभ ले चुके हैं। डॉक्टर, आप यहाँ पर दिखाने के लिए आए हुए हैं, क्या समस्या है? घुटने में दर्द है। तो आपने पहले कभी दिखाया है? पहली बार आए हुए हैं। तो क्या सुन के आए थे कि फ्री में इलाज हो रहा है इसलिए आए थे? तो हम देख सकते हैं कि स्वास्थ्य की समस्याओं से लोग ग्रसित हैं, लेकिन पैसे का अभाव, सामाजिक संरचना इस तरह की है कि लोग अपना समुचित इलाज नहीं करवा पाते हैं, लेकिन ऐसी अपेक्षा की जाती है कि सुगोली की धरती से शुरू हुआ यह पुनित अभियान आगे स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक मानक स्थापित करेगा। मैं अभिनव, मोतिहारी न्यूज़।